है कि कैसे है आप सब। बात ऐसा है, जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें हम गुलाब का फूल देना चाहते हैं, लीजिए बिल्कुल लीजिए रखिए, और जो हमसे जलते हैं उनको बिल्कुल हम कहना चाहते हैं भट प्यार से। कल कौन सा एक गाना आया था जिस गाने का नाम था उगी सूरज देव भैया, उसपे जो एक घंटे के अंदर व्यूज प्राप्त था, उस रेशियो से देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर उसपे 3 मिलियन व्यूज नहीं जाने चाहिए थे, उस पे जाने चाहिए थे कुछ 1 मिलियन व्यूज। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भैया कुछ 24 घंटे के अंदर उसपे जो है 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ गए, तो इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। वीडियो में बने लास्ट तक, बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। बात ऐसा है, कुछ लोग दारू पी लेते हैं तो दारू के नशे में कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि पवन सिंह के जगह पोस्टर देखो गाने का तो उसमें लगा ऐसे करे हैं, तो ऐसे लगता है देखने से कि भैया मार लिया है उसके बाद में पोस्टर शूट कराए थे। बाकी भाई खैर छोड़िए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो खेसारी भाई का जब नारियल गाना आया था तो 24 घंटे के अंदर जो व्यूज प्राप्त किया था, तो उसपे अगर खेसारी भाई का, ऐसे नहीं है कि खेसारी भाई के गाने पे ऐड नहीं लगा था, उनके गाने पे भी ऐड लगता है। वो सारे गांव में से जितने गाने आए थे, जितने भी सिंगर के गाने आते हैं, सबके गाने पे ऐड लगाया जाता है। लेकिन खेसारी भाई के जो गाने पे 1 घंटे के अंदर व्यूज था नारियल पे, उस हिसाब से देखा जाए तो पवन सिंह के गाने से कहीं ऊपर था। ठीक है, तो 1 घंटे में ही पता चल गया था कि खेसारी भाई का गाना, पहले देखिए 1 घंटे के अंदर क्या होता है, जब गाना रिलीज किया जाता है तो 1 घंटे के अंदर ऐड नहीं लगाया जाता है, गाने पे ऐड लगाया जाता है कुछ 10-12 घंटे के बाद में। तो भैया यही हुआ था, जब नारियल गाना आया था खेसारी भाई का तो 1 घंटे के अंदर 1,34,000 व्यूज था और कुछ 36,000 लाइक्स थे उस पे, आप सब देख सकते हैं। लेकिन जब पवन सिंह का गाना आता है जिसका नाम उगी सूरज देव, उस पे अगर देखा जाए तो कुछ भैया 1 घंटे के अंदर 1,02,000 व्यूज है और 30,000 लाइक्स है। यहाँ पे देखा जाता है कि नारियल गाना इससे ज्यादा व्यूज प्राप्त किया था। तो भैया एक बात समझ नहीं आता है, फिर भाई खेसारी भाई के गाने पे 24 घंटे के अंदर कम व्यूज क्यों थे और इस पे ज्यादा व्यूज कैसे हो गए? तो इसके पीछे राजनीति नहीं समझ सकते हो। बात ऐसा है कि भैया इस गाने पे जैसे 8-9 घंटे बीते, तुरंत के बाद एड लगा दिया गया। वाह क्या बात है, और छोटा वाला एड नहीं, बहुत बड़का वाला एड लगाया गया कि भैया ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक्स आए, इससे जो है खेसारी लाल यादव के रिकॉर्ड टूट जाए और पवन सिंह का नाम आगे हो जाए। यही होता है राजनीति हमेशा, चाहे लाल घाघरे गाना ले लो, चाहे ये गाना ले लो, कितने जितने गाने आते हैं सब गाने पे ऐड लगा दिया जाते हैं। जब 1 घंटे के अंदर उतना व्यूज नहीं प्राप्त है तो 24 घंटे के अंदर कैसे तुम्हारा 3 मिलियन व्यूज प्राप्त हो जाएगा? नहीं होता है, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ घोटाला हो गया बीच में, इससे दिखाया गया अरे पवन सिंह एकदम पूरा रिकॉर्ड्स बना दिए, नहीं रिकॉर्ड्स बना दिए, घंटा रिकॉर्ड्स बना दिए, घोड़ा रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ये रिकॉर्ड्स वकॉर्ड्स नहीं बनाते हैं, ये भाई एड का कमाल है, एड के कमाल से इतना व्यूज प्राप्त किया है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया पवन सिंह आगे चलेंगे, खेसारी लाल यादव पीछे चलेंगे, यही जन्म में मुश्किल है, ये जन्म में बिल्कुल पवन सिंह को रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है खेसारी लाल यादव का, तो ये सपना ना देखें बिल्कुल। बाकी आप सबका क्या मानना कमेंट करके बताइए, लेकिन हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ जाइए जिसका नाम है TK7 भोजपुरी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, वीडियो के लिए बाकी आज की वीडियो में चलते हैं, नमस्कार।